चलो बेटा अब कर रहे हैं इंपॉर्टेंट की पावर इनफिनिटी। इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में सबसे टॉपिक होने वाला क्वेश्चन है। क्या है? द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड दिस। न्यू बुक में एग्जांपल 16 है। ओके, न्यू बुक में एग्जांपल 16 है बेटा, करेक्शन कर लेते हैं हम भी। एग्जांपल 16 न्यू बुक्स क्या दे रखा है? 100 ऑब्जर्वेशन का कितना ही देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 40 और 5.1 बोलो, यहां तक क्लियर? इससे पहले चलो, अभी न्यू वैरायटी शुरू होती है, यहां पर क्या होगा, यहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट डेटा का खेल शुरू होगा। करेक्ट क्या होता है यहां पर? मान लो मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, अब 100 में से एक डेटा था मान लो 34, मैंने गलती से 43 लिख दिया। पॉसिबल है या नहीं ऐसी मिस्टेक्स? अक्सर आप लोगों से भी हो जाती होगी, ठीक है? तो उसकी वजह से मीन और क्या होता है, मीन और सारी चीजें बदल जाती है। इस टॉपिक में हम वही चीज सीखेंगे कि मीन अगर ऑब्जर्वेशन ठीक थी यानी करेक्ट था तो क्या है, इनकरेक्ट है तो क्या है। बोले यहां तक क्लियर? ओके, मीन दे रखा है कितना, 40 और 5.1 बाय अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40 आ गया फॉर वन ऑब्जर्वेशन। आगे यहां पर कट गया क्वेश्चन, मेरे को निकालना क्या द करेक्ट मीन। क्या निकालना बेटा? करेक्ट मीन निकालना है। हाँ जी, कैसे करें सर? मैं आगे क्वेश्चन कर लेता हूँ। 100 ऑब्जर्वेशन दे रखिए बेटा, तो पहला काम जैसे ही ऑब्जर्वेशन आ जाए 100 है, क्या लेट करूंगा? बोलो बोलो बोलो, ऑब्जर्वेशन क्या लेट करूंगा? दोबारा समझते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितने ऑब्जर्वेशन का, यानी 100 नंबर है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। अब इसमें क्या बोला भाई, अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40 और वन ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट ने क्या कर दिया, गलती से 50 ले लिया जबकि नंबर था क्या 40 था। यहां तक क्लियर? अब मेरे को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन आगे नहीं है, कैलकुलेट करना है करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? यहां पे कैसे करेंगे हम बेटा, ध्यान समझना। पहले हम इनकरेक्ट डेटा निकालेंगे, फिर निकालेंगे करेक्ट डेटा का। क्या? पहले इनकरेक्ट फिर करेक्ट, राइट? तो सबसे पहले इनकरेक्ट वाली की हम बात करेंगे सर। लेट कर लो ऑब्जर्वेशंस को क्या, ऑब्जर्वेशन को लेट कर लो क्या x1 x2 कहां तक लेट करूंगा मेरे बच्चा, x 99। करेक्ट लेके चलूंगा तो एक बात समझ आई, एक क्रूशियल पॉइंट है, गलत है 50 ले लो। अच्छा जी, तो सर इसके बेसिस पे सब कुछ निकालते हैं बाकी बचे आइटम्स। तो पहले मीन बोला है, मीन क्या होता है, एक्स बार कितना है, निकालो मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी x1 प्लस x2 कहां तक, x99 प्लस 50। आपने नोटिस करी मैंने 50 को अलग से रिप्रेजेंट करा है, अपॉन में कितना 100 इधर भेज दो, कितना हो जाएगा सर ये 4000। बेटा इससे किसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, खुद बताओ इस चीज से किसकी वैल्यू आ सकती है, x1 से x99 तक की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x1 से x99 तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3950। बोलो यहां तक क्लियर? आई डोंट नो द यूज, मैंने क्या बोला था, एक लाइन छोड़ के चलना, लेट इट बी फर्स्ट, क्लियर? अब इसी तरह आप क्या निकालो, वेरिएंस। वेरिएंस क्या देगा सर, वेरिएंस क्या होता है बताइए सर, बोलो 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 क्या होता है? सब फॉर्मूला देखने बैठे, किसी को लर्न नहीं है, है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अभी करेक्ट वाला चल रहा है इनकरेक्ट चल रहा है, इनकरेक्ट ठीक है, कितना यहाँ पर 5.1, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा
सिग्मा एक्स पर क्या होगा, एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस एक्स बार कितना है सर 40। सॉल्व करो सर, इसको इधर भेज दो। एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स 99 स्क्वायर प्लस 2500 अपॉन में 100 होगा, ये कितना जगह 1600 ऐड करो, कितना 1605.1। कंफ्यूजन किसकी वैल्यू आ सकती है खुद बताओ, 100 यहां पर आ जाएगा, कितना लगेगा ये 160510 एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स 99 स्क्वायर प्लस 2500 इधर आके माइनस कर दो कितना लगेगा सर, तो मेरे कितना आ रहे मैं वैसे देख लूं यहां से। कुछ तो मिस्टेक हो रही है, क्या 400 का स्क्वायर 40। आओ ओ, बताता हूँ गलती क्या है, पूछो 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 क्या गलती है सर, ये क्या दे रखा है 5.1 क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, 5.1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वेरिएंस क्या होगा इसका स्क्वायर, अब ठीक है राइट 26.01 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1626.01 राइट हाँ अब ठीक है ना, 2500 इधर कर दो तो ये हो जाएगा मेरा 160101। ये किसकी वैल्यू है बेटा, एक्स वन स्क्वायर से लेकर कहाँ तक एक्स 99 स्क्वायर तक, बोलो यहां तक क्लियर, सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट। गिव अ सेकंड, अब सर इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा, यहां तो जहां तक हो सके उतना सॉल्व करो, उसके आ जाओ करेक्ट पे, किस पे आ जाओ बेटा करेक्ट, आओ निकालते अब करेक्ट वाले की बात करेंगे हम सर। जब मैं करेक्ट कर रहा हूं तो मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या होनी चाहिए खुद बताओ, एग्जैक्टली एक्स वन से एक्स 99 तक और 40, बोलो क्या कह रहे हो, क्या 100 ऑब्जर्वेशन तो है, पर बेटा एक बात बताओ ना, हमने क्या करा था गलती से, हमने लिया था 50, लेना कितना था 40, तो अब हम करेक्ट वाले लिख रहे हैं ना, नहीं है समझ, देखो पहले हमने करना था, हमने गलत वाली लिखनी होती सारी ऑब्जर्वेशन, क्या थी यहां से आ तक तो ठीक है, गलत लिख ली 50, अब एक बार लेना करेक्ट वाली के साथ सारा डेटा, जब करेक्ट वाला लूंगा तो क्या होगा, क्लियर कंफ्यूजन ओके। अब लगाओ मीन का फॉर्मूला सर, मीन क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स 99 प्लस 40 अपॉन में राइट
क्या मेरे पास x1 से x99 तक की वैल्यू है? है कहां पर? थ्योरी फ्रॉम फर्स्ट 3950 प्लस 40 अपॉन 100 तो याद आएगा 39.9 याद है क्लियर। अब इसी तरह वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा x स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस बार एक्स स्क्वायर किसका होगा? इन सब का करेक्ट वाली का, यानी एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर कहां तक? एक्स 99 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर तक। अपॉन में कितना है सर? 100 माइनस एक्स बार, एक्स बार कितना है? 39.9। क्या मेरे पास इतने हिस्से की वैल्यू है? कहां पे है? गेरी सेकंड फ्रॉम सेकंड 160101 अपॉन में प्लस 1600 अपॉन में 100 और 39.9 का स्क्वायर करते हैं सर। 399 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? मैं दिमाग क्यों खोता हूँ? यह आ जाएगा 1592.01। सर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाला? निंजा शक्ति से। ये निंजा शक्ति आपको एग्जाम में अलाउड नहीं होगी, मेरे को अलाउड है यहाँ पर। ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ रहा है आपको ये? तो मैं डायरेक्ट बता दूँ कितना आ रहा है, इसको माइनस करने पर आपका आ जाएगा 25। ऊपर ऐड करके देख लेते हैं 1601 1600 1617 01 यानी बैठते 1617.01 1617.01 माइनस 1529.01 तो कट गया, साथ में से दो गए और साथ में से दो क्यों गए? मेरे भी कैलकुलेशन क्या हो गई, 17 में से 9 गए 8, 25 आना चाहिए। तो 25 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, आना 25 चाहिए जबकि एक मिनट रुको, 17 में से 9 गए क्या हुआ? 1617 ही तो बैठ रहे 0.01 1592 ओके ओके आई गॉट इट, ये आ गया 1592 ये यहाँ पे गलती है 1592। अब ठीक है ना, अब 25 आ जाएगा। ये आगे मीन, मीन नहीं, ये क्या है? वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा सर? रूट में 5 इज द आंसर। बट देखा हल्की सी भी एरर होगी तो मुसीबत आ जाएगी। करो इसे नोट।